हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 8 Pro के अंदर हम किस प्रकार से कॉन्टैक्ट सेटिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो कॉन्टैक्ट सेटिंग्स रहने वाली हैं, सिम के कॉन्टैक्ट हैं, जीमेल आईडी के कॉन्टैक्ट हैं और जो फोन के कॉन्टैक्ट हैं उनको आप कैसे शो करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है Realme के डिवाइसों के अंदर। तो गाइस, कंप्लीट सॉल्यूशन लेके मैं आ चुका हूं, बस वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है स्टेप बाय स्टेप और आप ये सब कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सिंपल से स्टेप्स में मैंने आपको बताया है कि आप अपने फोन के अंदर कैसे सिम के कॉन्टैक्ट शो करा सकते हैं, कैसे आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट को शो करा सकते हैं, मतलब कि सारे कॉन्टैक्ट अगर आपको शो कराना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो चलिए, अब सबसे पहले हमको चलना होगा कॉन्टैक्ट के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट्स के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन के अंदर हैं, ओके, क्योंकि मैंने इसमें अपने जीमेल आईडी लॉगिन करके रखा है, इस वजह से इसमें सारे कॉन्टैक्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट्स, आपके जो 607 कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सेटिंग्स पर हम क्लिक कर लेते हैं। ओके गाइस, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी, मतलब जैसे कि आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनको एक्सपोर्ट करा पाएंगे। और इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अब गाइस इंपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके जो सिम के कॉन्टैक्ट है ना वो वहाँ पर सोएंगे। कैसे सोएंगे और कैसे आप चेक कर सकते हैं ऐसा होता है या नहीं होता, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको यहाँ पर आ जाएँ आप, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 607 कॉन्टैक्ट हैं टोटल आपके, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ से सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट और यहाँ से हम करते हैं सिम कार्ड पे क्लिक, ओके कर देते हैं हम। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी सिम के अंदर केवल तीन या फिर बोल सकते हैं आप चार कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे देख पाओगे, ये मेरी सिम के अंदर है 4 कॉन्टैक्ट ओनली। तो यहाँ पे मैं इनको चारों को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, यहाँ से हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आपके चार सिम कॉन्टैक्ट जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो 607 थे वो 611 कॉन्टैक्ट हो गए हैं। तो गाइस, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट शो करा सकते हैं, अपनी सिम के भी और अपने फ़ोन के, तो आपको यहाँ पे दिखते ही हैं, और जीमेल आईडी के भी। आप यहाँ से जाके जीमेल आईडी को जैसे लॉगिन करेंगे तो दिख जाएंगे। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये काम कर गया होगा, आपके कॉन्टैक्ट जो आपको शो हो रहे होंगे सिम के कॉन्टैक्ट। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।